नमस्कार दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है ये लूप वाला डिज़ाइन है। ये है इसकी ये लूप, दिस वन, ये वाली, ये जो है आज हम ये डिज़ाइन लूप के साथ डिज़ाइन बनाएंगे। ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक पार्ट। इस डिज़ाइन के लिए हमें 5 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत है और 2 फंदे डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और एक एक एच स्टिच दोनों तरफ। तो इसके हिसाब से मैंने जो है 19 फंदे डाल रखे हैं। ये हम जो है डिज़ाइन के अभी डिज़ाइन के लिए 3 रो के डिज़ाइन के हिसाब से मैंने फंदे डाल रखे हैं 15, 2 फंदे डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए और 2 फंदे एच स्टिच। तो उस हिसाब से मैंने इसमें 19 फंदे डाल रखे हैं। तो अभी जो है हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, एक और ये 2, 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद 3 फंदे सीधे, एक 2 और ये 3, 3 फंदे सीधे, फिर 2 उल्टे, एक 2, फिर 3 फंदे सीधे। ये पूरी सिलाई हमारी इसी तरह से जाएगी, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। अब आप ये देखोगे कि ये जो 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखे थे वो इसलिए थे कि स्टार्टिंग में भी हमारे ये एक फंदा जो बिना बुने उतारा उसके साथ 2 फंदे उल्टे और लास्ट में भी हमारे लास्ट वाले फंदे से पहले 2 फंदे उल्टे। तो इस हिसाब से जो है हमारा डिज़ाइन इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। अब उल्टी सिलाई, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, एक 2, अब 3 फंदे उल्टे, एक 2 और ये 3, फिर 2 फंदे सीधे, एक 2, 3 फंदे उल्टे, एक 2 और ये 3, 2 फंदे सीधे, एक 2, 3 फंदे उल्टे, एक 2, 3, 2 फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टी सिलाई में उल्टा। ये होगी हमारी पहली 2 सिलाई। अब आगे हम अपनी तीसरी सिलाई पे। तीसरी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2, 3, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। चौथी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा। अब इस सिलाई से हम अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों से पहले
ये जो हमारा बीच वाला फंदा है इससे हम तीन सिलाई नीचे, एक दो और ये तीन, तीन सिलाई नीचे हम इस तरह से सिलाई फंदे के अंदर, ये जो तीन सिलाई नीचे ये जो है हमारा फंदा, सिलाई इस तरह से डालेंगे, पीछे से ऊन इसके ऊपर लपेट के हम लूप निकालेंगे इस तरह से, और इस लूप को हम अपने सीधे हाथ की सिलाई, उल्टे हाथ की सिलाई जो है उसके ऊपर ले जाएंगे। अब इस लूप को हम बुनेंगे नहीं, बिना बुने हमने अपनी सीधे हाथ की सिलाई पे उतारना है, इसे बुनना नहीं है उसके, और ये जो लूप है ना तो ज्यादा लूज रखनी है और ना ही ज्यादा टाइट। इसके बाद एक फंदा बुना, दूसरा फंदा बुना और ये तीसरा फंदा बुना। तीसरा फंदा बुनने के बाद जिस, ये जो तीन सिलाई नीचे जिस फंदे से हमने ये वाली लूप निकाली थी उसी से अब एक लूप और निकालेंगे, वहीं से जहां से हमने पहली लूप निकाली थी, इस तरह से। ये हमने दो लूप निकाल ली और इसको भी हमने बुनना नहीं है। अब दो फंदे हमारे उल्टे, एक और ये दो, उनको पीछे किया और यहाँ फिर ये जो है एक दो और ये तीन, तीन सिलाई नीचे हम फिर वैसे ही लूप निकालेंगे इस तरह से। लूप निकालने के बाद इसको इस तरह से हम उल्टी सिलाई पे लेंगे, अब हम इसे अपनी सीधी सिलाई पे उतारेंगे बिना बुने। फिर ये तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो और ये तीन, तीन फंदे बुनने के बाद जहां से हमने अपनी पहली लूप निकाली थी वहीं से अब फिर हम अपनी दूसरी लूप निकालेंगे इस तरह से। तो अब हम हर जो तीन फंदे हैं उनमें हम दो दो लूप निकाल रहे हैं, एक तो पहले फंदे से पहले और एक लास्ट फंदे के बाद, लेकिन हम इन लूप्स को बुनेंगे नहीं। अब फिर दो फंदे उल्टे, और यहाँ फिर ये तीन फंदे नीचे, तीन सिलाई नीचे, एक दो और ये तीन, तीन सिलाई नीचे से ये लूप निकाला बिना बुने, सीधी सिलाई पे ले लिए इसको, फिर तीन फंदे बुने, एक दो और ये तीन, और उसी लूप से हम फिर दोबारा हम अपना एक लूप और निकालेंगे उसी जगह से जहां से पहला लूप निकाला था, तीन सिलाई नीचे बीच वाले फंदे के नीचे, जो बीच वाला फंदा है उससे नीचे तीन सिलाई, दो फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। अब उल्टी सिलाई पे आ गए, उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, दो फंदे सीधे बुने, ये जो हमारे बीच में दो दो फंदे हैं इनको हम कुछ नहीं करेंगे, बस इनको जो सीधी सिलाई पे उल्टा बुनेंगे और उल्टी सिलाई पे सीधा बुनेंगे। अब सबसे पहले हम अपने लूप को उतारेंगे, लूप को उतारने के बाद तीन फंदे उल्टे बुनेंगे, एक दो और ये तीन। अब दूसरा लूप उतारेंगे, अब उल्टी सिलाई में भी लूप को बुनना नहीं है, फिर दो फंदे सीधे, एक और ये दो। अब फिर अगली सिलाई में पहला लूप निकाला, लूप निकालने के बाद तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन, फिर दूसरा लूप लिया, दो फंदे सीधे, उल्टी सिलाई में हमने कोई भी लूप बुनना नहीं है। अब फिर लूप को बिना बुने उतारा, तीन फंदे उल्टे, एक दो और ये तीन, एक फंदा सीधा
दूसरा फंदा सीधा, दो फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा। अब पहला फंदा बिना बुने उतारा, दो फंदे उल्टे। अब इस सिलाई में भी, पिछली सिलाई में तो हमने लूप निकाला था, हमने इस सिलाई में भी लूप को है जो बुनना नहीं है। अब यहां पे हम इस सिलाई में भी हमने लूप बुनना नहीं है, लूप को बिना बुने उतारा, तीन फंदे हम सीधे बुनेंगे। तीन फंदे बुनने के बाद अगला लूप भी हम बिना बुने उतारेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, ये भी लूप बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद तीन फंदे बुनेंगे, लूप को बिना बुने उतारेंगे। ये जो सीधी सिलाई आएगी इसमें भी हमने लूप को बुनना नहीं है, बिना बुने उतारना है लूप को। दो फंदे उल्टे, लूप को उतारा, तीन फंदे सीधे, लूप को उतारा, दो फंदे उल्टे और लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा। उल्टी सिलाई में भी हम लूप को बुनेंगे नहीं, पहला फंदा बिना बुने उतारा, दो फंदे सीधे, लूप को उतारा, तीन फंदे उल्टे, लूप को उतारा, दो फंदे सीधे, फिर लूप को बिना बुने उतारा, तीन फंदे उल्टे और लूप को बिना बुने उतारा। आप लूप को किसी भी पोजीशन में उतार सकते हो। अब फिर लूप को उतारा, तीन फंदे बुने, लास्ट वाला लूप उतारा, दो फंदे सीधे। मतलब लूप निकालने के बाद हमारी जो तीन सिलाई हम बुनेंगे, एक सीधी और दो उल्टी, उनमें हम लूप को नहीं बुनेंगे, लूप को हम बिना बुने उतारेंगे। अब जो चौथी सिलाई आएगी लूप निकालने के बाद, उसमें हम लूप को बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दो फंदे उल्टे। अब ये जो लूप है, लूप हमारा, हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो है लूप बिल्कुल सीधा होना चाहिए, यहाँ पे इसमें किसी तरह का बल नहीं होना चाहिए। अब लूप और पहला फंदा हम दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, लेकिन हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये चीज बिल्कुल सीधी हो। अब ये दोनों हम पीछे से लेंगे इस तरह से, लूप और पहला फंदा, और दोनों को हम इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से। आप देखोगे कि ये जो मेरा लूप है ये बिल्कुल यहाँ से सीधा आ रहा है, यहाँ से बिल्कुल भी ये मुड़ा हुआ नहीं है, तो ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगला फंदा बुनेंगे और अब यहाँ पे आगे की तरफ से लूप और तीसरा फंदा जो है हम इनको इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, फिर दो फंदे उल्टे, फिर उसी तरह से लूप और लास्ट वाला फंदा जो है, पहला जो फंदा है इन दोनों को इकट्ठा बुनेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट वाला फंदा और लूप दोनों को इकट्ठा बुनेंगे। अब दो फंदे उल्टे, यहां से फिर पीछे की तरफ से लूप और पहला फंदा, बीच वाला फंदा दूसरा और लास्ट वाला फंदा और लूप। मतलब जो दो लूप है, एक बार पहले फंदे, एक पहला लूप जो पहले फंदे के साथ बुना जाएगा और जो लास्ट वाला लूप है वो तीसरे फंदे के, दूसरा लूप तीसरे फंदे के साथ। दो फंदे उल्टे और ये लास्ट वाला फंदा सीधा। अब यहाँ पे उल्टी सिलाई में
जिस तरह से हमने जो स्टार्टिंग में जो हमारी उल्टी सिलाई उस तरह से बुनी जाएगी। पहला फंदा उल्टा बिना बुने उतारा, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा हमारा उल्टा। तो इस तरह से जो है हम लूप के साथ इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये उल्टी सिलाई बुनने के बाद अब जो अब हमारी सीधी सिलाई आएगी इसमें हम दोबारा लूप जो है वो निकालेंगे, एक सीधा दो उल्टे। अब यहाँ पे हम जो ये बीच वाला फंदा है यहाँ से तीन सिलाई नीचे आके लूप को हम इस तरह से ये दोबारा निकालेंगे ऐसे। तो इसी तरह से दोहराते हुए जो है हम अपना डिजाइन पूरा करेंगे। अगर आप ये देखोगे तो ये जो मेरे लूप हैं बिल्कुल ये सीधे हैं, कहीं पे भी ये नीचे से मुड़े हुए नहीं है। तो ये जो लूप के नीचे से ये ध्यान रखेंगे कि ये नीचे से बिल्कुल सीधा हो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट करें और अगली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।